हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य घोष फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेईई नीट एंड फाउंडेशन कोर्सेज। सो आज हम जो चैप्टर चालू करने वाले हैं, इसका ना बेसिक और मैक्सिमम बोलो तो 70% हम कवर कर चुके हैं। कौन से दो चैप्टर में? पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। वो दोनों चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मैक्सिमम 70% पूरा कवर हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल में हम पढ़े थे, उसका बेसिक जनरल फॉर्म कैसा दिखता है? वो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जिसमें एक्स का पावर टू है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स का पावर वन होता, कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स का पावर वन होता, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो यहां पे x का पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का मेरा वीडियो लक्ष्य कोटा एकेडमी के ऐप में देख सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो हमारे चैनल को देख चैनल में। सो पॉलिनोमियल चैप्टर जो जिसने जिसने देख लिया है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि शुरुआत का जो बेसिक फंडा है वो हम पढ़ चुके हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, वो दो हम मेजर चीज कंप्लीट कर चुके हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने ये देखा था कि वो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, वो अगर आप लोग से बन गया है तो बहुत आसान है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जीरोस, बेसिकली इसके दो जीरोस निकलेंगे, टू जीरोस मैक्सिमम, टू जीरोस। ध्यान रखना इसको रूट्स भी बोलते हैं। जीरोस या रूट्स का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसको इस पे रखने पर आउटपुट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं उसको? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकल सकती है? दो ही वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितना है? टू है। तो इसका एक फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम जीरोस निकालते हैं, और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो बेसिकली ये वाला जो फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म जो मेथड है, ये हमने 9th से करते हुए आया है बिल्कुल, और 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने पढ़ चुका है अच्छे से। तो इस पे हम थोड़ा ज्यादा जोर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में एक्स की जो वैल्यूज है, ऑब्वियसली दो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू कैसे निकलती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यही था फॉर्मूला, इसी से एक्स की दो वैल्यूज निकलेगी। आप चाहे फैक्टराइजेशन यूज करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको, ये वाले आइटम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वाला जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और डिनोट किससे करते हैं? डी, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट।
ये इंपॉर्टेंट है। देखो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो एक्स की कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि क्योंकि रूट के अंदर जीरो कभी नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, आया तो हम उसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पे बेसिकली बेस्ड है नेचर ऑफ रूट, तो इस चैप्टर में अपन बेसिकली उसी पे ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट पे। और उससे पहले थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा इसका बेसिक पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चंस अपन लगाते हैं फिर आ जाएंगे नेचर ऑफ रूट्स।